हेलो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज आ चुकी है। नीट यूजी 2024 का जब से पेपर हुआ है, लगातार खबरें आ रही है पेपर लीक की, दोबारा से नीट कंडक्ट करवाने की। तो गाइज, आज मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ नीट यूजी 2024 का पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा, इसको लेकर NTA ने क्या क्लैरिफिकेशन नोटिस जारी किया है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, आप लोग कन्फ्यूज ना रहे। काफ़ी ज़्यादा जैसे 24 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा भ्रमित हो रखे हैं, कन्फ्यूज हो रखे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आगे चलने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नीट यूजी का आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी कोर्ट का डिसीजन रहेगा, ऑफिशियल नोटिस और राउंड वाइज काउंसलिंग कट ऑफ, चाहे ऑल इंडिया कोटा की हो चाहे स्टेट कोटा की, हर टाइप की इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू अवेलेबल करवाई जाएगी। इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, नीट यूजी 2024 का पेपर 5 मई को सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ था, ऐसा मानना है NTA का कि NTA ने पहले ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया था कि जो सर्कुलेशन हो रहा है सोशल मीडिया पर वो जो है र्यूमर है। लेकिन गैज, अब NTA ने एक और सर्कुलेशन जारी किया है, NTA टेक्स ऑन पोस्ट सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया पर जारी कर रहा है। 6 मई को आपने जो NTA ने डाला था वो आपने देखा होगा, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाई थी, तो एक बार पूरा ले लेती हूँ मैं। ऑन 6 मई 2024, फॉलोइंग द एग्जाम, डॉक्टर साधना प्रसाद सीनियर डायरेक्टर रिलीज्ड अ नोटिस इन रिस्पॉन्स टू सोशल मीडिया पोस्ट रिगार्डिंग नीट यूजी 2024। दिस स्टेटमेंट इज अबाउट द सोशल मीडिया पोस्ट कंसर्निंग द नीट यूजी 2024 एग्जाम हेल्ड ऑन 5 मई 2024। दिस पोस्ट सजेस्ट दैट द क्वेश्चन पेपर वॉज लीक्ड बिफोर द एग्जाम। टू क्लियर अप एनी कन्फ्यूजन, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स, देयर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एवरीवन कंसर्न। ठीक है, तो क्या बोला NTA ने, द NTA सक्सेसफुली कंडक्टेड द नीट 2024 एग्जाम ऑन 5 मई अक्रॉस 4750 सेंटर्स इन 571 सिटीज इंक्लूडिंग 14 सिटीज अब्रॉड। According to NTA's security protocol and standard operating procedures, the social media post claiming a paper leak are completely false. देखिए, यहाँ पर clearly बोला है, official notice के अंदर भी directly बोला था कि वो एक rumor है, completely false है जो social media पर post हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है guys, FIR भी हुई है, पुलिस केस भी हो रहे हैं, जांच भी हुई है, लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, ये सच्चाई है। लेकिन NTA मानने को तैयार नहीं है। एवरी क्वेश्चन पेपर हैज़ बिन अकाउंटेड फॉर, मोर ओवर वंस द गेट्स ऑफ द एग्जाम सेंटर आर क्लोज्ड, नो वन फ्रॉम आउटसाइड इज़ अलाउड इनसाइड द हॉल्स विच आर अंडर CCTV सर्वेलेंस। यस, दिस इज़ राइट। ठीक है, ये हर एग्जाम में होता है कि आफ्टर एग्जाम नो वन इज़ अलाउड फ्रॉम द आउटसाइड, और CCTV सर्वेलेंस जो है वो भी होता है। लेकिन बात उसकी हो ही नहीं रही, बात तो पेपर लीक की हो रही है। पेपर लीक मतलब पहले पेपर लीक हो गया एग्जाम कंडक्ट होने से पहले। अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज फ्रॉम NTA ऑन 6 मई, देयर वाज एन इंसिडेंट एट ए सेंटर इन स्वाय माधोपुर राजस्थान, वेयर सम स्टूडेंट्स टुक द क्वेश्चन पेपर्स अवे अगेंस्ट देयर will before the exam was over. ठीक है, a picture of this question paper is being wrongly linked to the alleged paper leak which is misleading and false. After the exam has begun, there is no way for any outside individual or. देखिए, जो NTA का मानना है कि स्वाय माधोपुर के अंदर जो प्रॉब्लम हुई थी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वहाँ पर स्टूडेंट सेंटर से बाहर आ गए थे पेपर को लेकर, वो पेपर लीक हुआ है, मतलब जो सोशल मीडिया पर घूमा है वो, उस पेपर की जो पोस्ट थी वो स्टूडेंट्स ने वायरल की है, वही घूम रही है, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि पेपर लीक हो गया। All other photographs of question papers circulating on social media are unrelated to the NEET 2024 question paper. ठीक है, यहाँ पर दिया है कि जितने भी फोटोग्राफ दूसरे फोटोग्राफ पेपर है
क्वेश्चन पेपर की जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं वो नीट यूजी 2024 से रिलेटेड नहीं है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद देर हैव बीन केसेस ऑफ माल प्रैक्टिस एंड इम्पर्सनेशन, दोज हु इंगेज इन सच एक्टिविटीज फेस सिवर कंसिक्वेंसेस, एंड ही ऑल्सो कंडक्ट पोस्ट एग्जाम डेटा एनालिसिस टू डिटेक्ट अनफेयर मीन्स केसेस। अकॉर्डिंग टू करंट रूल्स, एक्शंस टेकन इन UFM केसेस इंक्लूडिंग द कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड ए बैन फ्रॉम फ्यूचर एग्जाम्स। तो गाइज, नीट यूजी 2024 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है एप्लीकेंट रहे हैं अब तक के नीट यूजी 2024 के अंदर, और NTA ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। NTA ने सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेशन डाला है कि पेपर लीक नहीं हुआ। जो क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है वो पेपर है जो स्वयं माधोपुर के अंदर केस हुआ था, तो स्टूडेंट बाहर आ गए थे, वो पेपर डाला था, जबकि उस टाइम तक सब स्टूडेंट्स को पेपर मिल चुका था और कोई भी आउटसाइडर जो है वो इनसाइड में एंट्री नहीं कर सकता था। ठीक है, ये NTA का मानना है। तो अकॉर्डिंग टू NTA पेपर विल नॉट बी कैंसल और विल नॉट बी रीड नीट। ठीक है, आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि नीट का एग्ज़ाम आपकी राय में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।